स्ट्रेन्स आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, लिमिटेशन ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम करने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनका अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते जाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम उन चीज़ों से को वापस से नहीं लेकर आ सकते। जैसे अगर हमारे घर में कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं उसे और फिर उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में भी तो कहीं से आती होगी वो चीज़। तो ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अगर ख़त्म हो गई हमारे यूज़ करते रहने से तो हम उनका वापस से यूज़ में नहीं ला सकते और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ये है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जैक्ट क्लियर? तो फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। तो क्या दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर? कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट, यानी कितना भी यूज़ कर लो ना तो उसका कोई चार्ज देना है हमें और ना ही वो कभी ख़त्म होने वाले। तो वो कौन से हैं? दे कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि एग्जाम्पल है उसके सनलाइट, एयर, वाटर, इटीसी। जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें ना वो ही हमें फ्री में मिल रही है, सनलाइट, ऑक्सीजन। अगर हम हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगा ऑक्सीजन है। और आज हम अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ कैसे भी कितनी भी हवा यूज़ कर सकते हैं, उसका ना तो हमें कोई बिल पे करना है ना ही उसका कोई चार्ज देना है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महंगी चीज़ है वो नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड करके रखी हुई, फिर भी हम उसका अच्छे से यूज़ नहीं करते। हम इतना दोहन कर रहे हैं उन चीज़ों का कि हमारी एयर पूरी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से हम इतने गाड़ी व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे हमारी पूरी एनवायरनमेंट क्या हो रहा है उससे इफेक्टेड होता है और फिर हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। एयर, वाटर, इटीसी। और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड। कुछ ये तो अनलिमिटेड है कि सनलाइट कितनी भी ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, आप इनका ना कोई चार्ज देना ना कोई बिल पे करना, आपको जितना यूज़ करना है उतना आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड क्वान्टिटी में, अब वो लिमिटेड क्वान्टिटी में तो हमें उनका यूज़ भी लिमिटेड क्वान्टिटी में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिनिश हो गए तो फिर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम उनके क्या हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं, उन पर डिपेंड हो चुके हैं। दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। अगर सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो हम क्या, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से ही मिलती है? फॉरेस्ट, बर्ड्स, ये जो प्लांट्स हैं इन सारी चीज़ों से मिलती है। और बर्ड्स वगैरह उन पर क्या है, फूड के लिए डिपेंड हैं। हम भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड किस पर ही हैं? प्लांट्स के ऊपर हैं। कॉल, पेट्रोलियम, पेट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ हो रही है। पेट्रोल कितना यूज़ हो रहा है, अगर वो ख़त्म हो गया तो सारी व्हीकल्स चलना बंद हो जाएंगी, और व्हीकल्स चलना बंद हो गई तो कैसे हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि हम मोस्टली हम डिपेंड किस पर हो चुके हैं, हर थोड़ी सी दूर भी जाना है तो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, लिमिट क्वान्टिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड क्वान्टिटी में ही हमारे नेचर में प्रेजेंट है और हम इनको वापस से नहीं ले। अभी तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, हम पेट्रोल पंप से जाकर ले आए, लेकिन हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि पेट्रोल पंप पे से जो पेट्रोल आता है वो कहाँ से आता है। नेक्स्ट चीज़ है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो द टर्म फॉसिल फ्यूल रिफर टू कोल, पेट्रोलियम, जो कोल है, पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैसेस है, विच आर कॉमनली यूज सोर्स एनर्जी एट प्रेजेंट। इन सब का जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस है वो सोलर एनर्जी। एज द नेम सजेस्ट, दे हैव बीन फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स, इवन बिफोर द डायनासोर से पहले भी, जब ना ये ज्वालामुखी भूकंप वगैरह आते हैं ना तो बिल्कुल जितने भी एनिमल्स होते हैं जो सब खत्म हो जाते हैं और क्या हो जाती है, अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं। फिर वो ना बहुत दिनों बाद जब ये दुनिया वापस से बसती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो वहाँ से फिर हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि पहले ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर यहाँ से इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से हम आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें इसमें फॉसिल फ्यूल्स में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉल। कॉल इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड पावर स्टेशन। इट इज़ कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कार्बन, द परसेंटेज ऑफ विच वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स।
वेरी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये भी कहाँ से बनेगा, वेट प्लांट रिमेन हेड बरेड हार्डेड केमिकली चेंज अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ टॉप लेयर, मतलब जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं और अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, तब वो ना इतना ही टेम्परेचर हो जाता है कि वो अर्थ क्रस्ट की सारी लेयर क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। यानी 300 मिलियन ईयर्स ईगो पहले ये चीज़ हुई थी, तब से हम अभी तक क्या कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे कोल होते हैं, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोल जो है वो है आपका एंथ्रासाइट, ये स्मोकलेस कोल होता है, ठीक है। क्योंकि जो कोयले वगैरह खदानों में काम करते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।